फिर उन्होंने खुद ही क्या किया कि ये सरकार बर्बाद करने वाला कोई मतलब नहीं है। आज आपने देखा कि हम लोगों ने अपने हक अधिकार के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया आजादी के पक्ष में। देखो नहीं है भाई, नहीं है तो बोल हेलो 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 सर यहाँ पे आ जाइए। तो गरीब पिछड़ा अति पिछड़ा के हक अधिकार के लिए जब मन मनोर बन गए बोलने लगा काम करने लगा जिन लोगों को लगा कि मुकेश गांधी संघर्ष करने वाले लोग इसको रोक रोको, अगर नहीं रोक पाओगे तो आने वाले वक्त में ये कभी रुकने वाला नहीं है, इसको कमजोर करो। ये जो चाहता है वो नहीं होना चाहिए। मैं चाहता था कि बिहार में एनडीए सरकार आए, चुनाव से पहले हम लोगों ने घोषणा किया कि बिहार में कोई सुना युवाओं को रोजगार देना है। जब वादा किए गए तो सरकार का पूरा करना है और उसके लिए मैंने पॉलिसी बनाया है कि 7,000 करोड़ रुपया खर्च करके पूरे बिहार में 10,000 पशुओं को बिहार से बाहर से ला के उसको सब्सिडी देंगे। एससी एसटी आदि पिछड़ा है तो 90% देंगे, सामान्य वर्ग को 60% देंगे ताकि वो पशु पाले और अपने घर परिवार को चलाए। लेकिन एक तकलीफ हुआ कि अगर यह योजना अगर जमीन पे उतार जाएगा तो मुकेश सहनी आता हाथ हीरो हो जाएगा। अच्छा हीरो हो जाएगा तो फिर यहाँ 11 आने वाले समय में एक आवाज पे मांगेगा इसको कमजोर करो। अब रणनीति के तहत उन्होंने हम लोगों को खत्म करने का निर्णय लिया। हम लोग मजबूत हुए बिहार के ऊपर पड़े हेलो हेलो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश झारखंड पूरे देश पार्टी का मैं विस्तार करने लगा क्योंकि मेरी मुख्य लड़ाई है कि निशान समाज का आरक्षण जिस तरीके से निशान समाज को आरक्षण बंगाल आरक्षण बंगाल का मिल रहा है, दिल्ली में आ रहा है लेकिन बिहार आज नहीं मिल रहा है। मेरी मेरी महाराज का समाज को आरक्षण दिलाना और इसके लिए दिल्ली को सरकार का करना है। राज्य सरकार का और दल सरकार के भेज दिया गया लेकिन अभी दिल्ली का काम है और दिल्ली वाले तब समय में जब हमारे पास 10,000 सांसद होंगे और जब सांसद तक चर्चा बढ़ाने के लिए आपका दो चार राज अपनी शक्ति के साथ जिस तरीके से आज बिहार में अपना संघर्ष करके आपने जिस तरीके से काम कराया जा रहा है उसी तरीके से आपके दो चार राज आए 10-15 सांसद बनाना पड़ेगा। जब सांसद बनेगा तो दिल्ली भर में आपका बात सुना जाएगा और आपकी सरकार पर और आपकी बात पर डाला जाएगा। इसलिए मैं काम करने लगा था लेकिन इन लोगों को लगा कि एक गरीब मछुआरा का बेटा जो मछली मारने वाला था वो राजनीति करने लगा, वो हमसे हर हर बेटा की बात करने लगा और हर जगह बाबर भर हो जा रहा है। तो भैया कैसे नहीं रहे कि आजादी के 75 साल के बाद पहले बार मनमोहन बल मिला है आज तक तो हमारा मना था एक टिकट मांगने के लिए सारे उम्र मुझ पा देता था एक विधायक तहसील नहीं हो पाता था। पहले बार सदर प्रधान विधायक बनाया और सब विधायक भी बनाया, हमने बिहार के मुख्यमंत्री को भी हमने बनाया, मुख्यमंत्री हमने विधानसभा मंत्री नहीं बनाया हमने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। आप सबको पता होगा जब सरकार का गठन हुआ उस समय में एनडीए के पास 125 विधायक था
और 125 में से 4 अंक कहा दीजिए तो 121 होगा और सरकार बनाने के लिए 122 आ जाता है, 121 में सरकार नहीं बनता। और हमने समर्थन दिया तो सरकार बना और नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री बना और पता हो गया ये सरकार हम लोगों में है और बिहार का हमने कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हमने बनाया। हमारे पास तो ऑफर आता कि आ जाइए हमारे पास, आपको डिप्टी सीएम बना देते हैं, चारों विधायक को मंत्री बना देते हैं, लेकिन आप हमारे साथ आ जाइए हमारे पास सरकार बनाइए। लेकिन हम इंसान से बसपन है, मछुआरा समाज से आते हैं, हम हमेशा ईमानदारी के बात करते चलते हैं। हमारे परिवार को वो थे जो श्री रामचंद्र जी को भैया पार लगा दिए और आज हम किसी के साथ सरकारी क्यों करें, हम तो सरकारी काम करेंगे। इतने बड़े बड़े अभियान को मैंने धन्यवाद दिया और ईमानदारी से मैं आगे बढ़ रहा था, लेकिन आप लोगों ने देखा किस तरीके से जो लोग कभी नहीं चाहेगा कि निशान समाज आगे बढ़े, अपने पैर पे खड़ा हो, इनका समाज और लोकल आगे बढ़े, वो लोगों ने क्या किया। आज 17 साल के बाद आपका चेहरा था दोषी आया, उसको किस तरीके से अपने पैर आगे बढ़ेगा वो आपको पता है। आपके विधायक को खरीद लिया गया, आपका सरकार ने आपको बाहर कर दिया, वो सरकार जो सरकार आ रहा था आपने इसे सरकार का बनाया उस सरकार से आपको बाहर कर दिया, तो खैर घर बात नहीं है। आज आपके पास सारा विधायक है, आज हमारे पास चार था इसलिए आपने खरीद लिया, लेकिन यही सवाल है अपने पैर में किसी को खराब हो जाएगा चार खरीद 40 समय आएगा 125 बनाकर अपनी सरकार अपने बाहर लगाएगा। आपने देखा होगा कि हम इस समाज खड़ा हो सकते हैं, वहां भारत से भरे भारत की वाली बातों को सोचना पड़ता है। आपने देखा बहुत सामने भाजपा वालों ने कहा ये सीट को हम अपने करियर के उतारेंगे, हमने कहा भैया ये सीट गहरा है और मेरे सीट आप कैसे उतार सकते हो, तो उन्होंने सोचा कि नहीं इसका व्यापार के चुनाव जीत लेंगे और उन्होंने वही किया। और फिर जब मेरा अधिकार है मैंने पहले से कहा कि अगर नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी, मैं एके सिद्धार्थ और आज फिर एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूं और एक छोटी जानकारी आप लोगों, क्या लखनऊ में घर बनाना चाहते हैं, लखनऊ में अगर अपने सपनों का घर आप बनाना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट करिए इस नंबर पर, बहुत सस्ते और अच्छे फ्लोट आपको लखनऊ में मिल सकते हैं। इस समय लखनऊ भारत के टॉप 10 जो शहर हैं नंबर 1 पर सिर्फ लखनऊ का डेवलपमेंट हो रहा है और लखनऊ में गवर्नमेंट के लगभग 250 से ज़्यादा प्रोजेक्ट फिलहाल कंटिन्यू है। तो प्लीज़ एक बार संपर्क करें, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, कॉल करें और पता करें कि लखनऊ में किस रेट पर सस्ते और अच्छे प्लॉट आपको मिल सकते हैं और आप अपने एक सपनों का घर बना सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।